आलमी खबरों में आपको बताएं कि मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा अनवर करकाश कहते हैं कि इसराइल फलस्तीनी सरजमीन के इंजमाम की बातें बंद करे। एक तरफा फैसला मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए खतरनाक धचका साबित होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा अनवर करकाश ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि फलस्तीनी सरजमीन के इंजमाम से मुतल्लिक इसराइल की बातें बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसराइल का कोई भी एक तरफा कदम अमन के लिए धचका होगा। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनियों की खुद इरादियत को नजरअंदाज करने, अमन इस्तेहकाम की जानब आलमी और अरब ममालिक के इत्तेफाक राय को मुस्तरद करने से शदीद नुकसान होगा। मुत्तहदा अरब अमारात खलीज में ईरान के खिलाफ अमरीका का अहम इत्तेहादी है और उनका मौकफ है कि खित्ते में ईरान के असर रसूख को रोकना जरूरी है। खलीजी ममालिक का ख्याल है कि ईरान रिवायती पॉलिसी के तहत फलस्तीनियों की हिमायत करके खित्ते में अपना असर बढ़ाना चाहता है, जिसके तोड़ के लिए मजबूत इत्तेहाद की जरूरत है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि इसराइल के आज़ाद फलस्तीन के इलाकों तक तौसी के इंजमाम के मंसूबे पर 1 जुलाई से काबीना में बहस शुरू होगी। ट्रंप के मंसूबे पर मुतनाज़ शिक पर यरूशलम को इसराइल का दरअल हुकूमत करार देने के साथ साथ मकबूजा मगरबी किनारे की बस्तियों और वादी उर्दन को इसराइल में जम करने की इजाज़त देना थी।